हेलो सुपर फ्रेंड्स, आज की अपडेट वीडियो काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि डिज्नी ने अभी 2023 तक की अपनी सारी मूवीज की न्यू रिलीज डेट्स अनाउंस की हैं। यानी इसके साथ हमें एमसीयू की भी 2023 तक की सारी मूवीज की रिलीज डेट्स मिल गई हैं, जो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। पिछले 11 सालों में अपने इन्फिनिटी सागा में 23 मूवीज रिलीज करके मार्वल स्टूडियोज का एमसीयू हॉलीवुड का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज बन गया है और डिज्नी के लिए तो मार्वल ने पैसों की बारिश कर दी है। इसीलिए आने वाले 4 सालों में एमसीयू की 14 और मूवीज रिलीज होने वाली हैं। इससे पहले फेज 3 की लास्ट मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली अपने फेज 4 के प्लान्स अनाउंस करना शुरू किया। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने 2021 तक की अपनी 5 मूवीज के बारे में और उनकी रिलीज डेट्स के बारे में बताया था। साथ में डिज्नी प्लस के लिए शोज भी अनाउंस किए गए थे। उसके बाद मार्वल ने 3 और टीवी शोज मिस मार्वल, शी हल्क और मून नाइट ऐड किए। साथ में ब्लैक पैंथर 2 को भी मई 2022 के लिए सेट कर दिया गया और अब डिज्नी की तरफ से नया शेड्यूल भी आ गया है, जिनमें 2022 और 2023 के लिए कुछ अनटाइटल्ड एमसीयू मूवीज की रिलीज डेट तय की गई है। इसके साथ मार्वल स्टूडियोज ने अपने एक साल में 3 मूवीज का रिकॉर्ड तोड़कर एक साल में 4 मूवीज रिलीज करने का फैसला किया है। 2021 ऐसा पहला साल होगा जब मार्वल की 4 मूवीज रिलीज होंगी। तो एक बार 2020 से 2023 तक की सारी रिलीज डेट्स पर नजर डालते हैं। 1 मई 2020 को ब्लैक विडो मूवी रिलीज होगी। 6 नवंबर 2020 को द एटर्नल्स रिलीज होगी। शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स को 12 फरवरी 2021 की डेट मिली है। तो वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस को 7 मई 2021 की डेट मिली है। 2021 में ही 16 जुलाई को टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 भी रिलीज होगी, जो कि सोनी के अंडर बन रही है, इसलिए डिज्नी की इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। 5 नवंबर 2021 को थॉर लव एंड थंडर रिलीज की जाएगी। अब अगर 2022 की एमसीयू की मूवीज की बात करें तो 18 फरवरी को एक अनटाइटल्ड मूवी लिस्टेड है। 6 मई को ब्लैक पैंथर 2 रिलीज की जाएगी, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा डिज्नी ने 2022 में 29 जुलाई और 7 अक्टूबर के 2 और अनटाइटल्ड मार्वल मूवीज की रिलीज डेट्स दी हैं। इसके बाद 2023 की एमसीयू मूवीज की बात करें तो 17 फरवरी, 5 मई, 28 जुलाई और 3 नवंबर को 4 एमसीयू मूवीज रिलीज होंगी, जिनका टाइटल अभी अनाउंस नहीं किया गया है। अब इन अनटाइटल्ड मूवीज में से कौन कौन सी मूवीज के रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है, यह एनालाइज करने से पहले डिज्नी की इस लिस्ट में एक और डिटेल पे गौर करते हैं। जब से डिज्नी फॉक्स डील होने की बात शुरू हुई थी, तब से फॉक्स की एक मूवी द न्यू म्यूटेंट की रिलीज खतरे में आ गई थी। जब डील हो गई उसके बाद भी यही लग रहा था कि ये मूवी रिलीज नहीं होगी, लेकिन इस लिस्ट में 3 अप्रैल 2020 की डेट द न्यू म्यूटेंट्स को दी गई है। तो देखते हैं आखिरकार अभी रिलीज होती है या नहीं। अब इन अनटाइटल्ड एमसीयू मूवीज की बात करें तो एंटमैन 3 वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि पॉसिबली 18 फरवरी 2022 को एंटमैन 3 रिलीज हो, और कुछ टाइम से ये रूमर्स भी आ रहे थे कि 29 जुलाई 2022 को फैंटास्टिक 4 मूवी आ सकती है। डेडपूल 3 के लिए भी मार्वल ने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ब्लेड मूवी भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस की गई थी और गार्डियंस वॉल्यूम 3 पर भी काम शुरू हो चुका है। तो इन सारी अनटाइटल्ड मूवीज में से ये सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कैप्टन मार्वल 2, थंडरबोल्ट और नोवा मूवीज के बारे में भी कुछ रूमर्स हैं। तो हो सकता है 2023 में इनमें से कुछ मूवीज रिलीज की जाएं। अब इन आने वाले 4 सालों में 14 मूवीज के साथ मार्वल अपने यूनिवर्स को काफी जल्दी एक्सपेंड कर रहा है, जो फैंस के लिए ट्रीट की तरह है। वैसे इन अपकमिंग मूवीज में से आपकी फेवरेट टॉप 3 मूवीज कौन सी हैं, कमेंट्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे दोनों नीले बर्फीले चैनल्स को बेल आइकन प्रेस कर, और लेटेस्ट सुपर हीरो अपडेट्स के लिए चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियोज एंजॉय कर सकते हैं।